हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एचपी T830 प्रिंटर के जो कार्ट्रिज आते हैं 7 to 8 कार्ट्रिज, इसको रिफिल किस तरीके से किया जाए और यूज किस तरीके से किया जाए। तो इसको रिफिल करने के लिए सबसे पहले हम इसका कवर निकालेंगे ऊपर का। अगर आपका न्यू कार्ट्रिज है इस तरीके से, ये न्यू कार्ट्रिज है, तो आपको इसको यहां से कट करना होगा इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद आपको इसका कवर निकल जाएगा। तो हम आज इसमें रिफिल किस तरीके से करेंगे कंपैटिबल इंक, मैं वो बताऊंगा। कपड़ा कहाँ है, तो मैं कंपैटिबल इंक यूज करने वाला हूँ। ये है फार्मोजेट की, बॉम्बे की इंक है, 72 इसका सीरीज है, 72 सीरीज की इंक है। ये डाई इंक है, इस प्रिंटर में 3 कलर डाई है, CMY डाई है और ब्लैक जो है पिगमेंट है। तो अब हम इसमें से इस कलर को फिल करेंगे। तो आपके लिए यू रिफिल करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेस्टेज डब्बा लगेगा, कार्ट्रिज, एक सिरेंज और इसमें इसकी जो नीडल आती है सुई, ये मोटी सुई है जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी इस तरीके से। उसके बाद हमें एक और नीडल लगेंगी इस तरीके की, जो इसका कैप निकाल सके। कैप निकालने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा दबाना है, उसके बाद इसे ऊपर आराम से खींच लेना है इस तरीके से, क्योंकि रिफिल करे बाद हम वापस इसे ही लगाएंगे। हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद इस कार्ट्रिज में इंक भरने के लिए हमें इस सिरेंज में इंक भरनी होगी। इसमें देखिए, ये 60 ml का सिरेंज है और ये जो कार्ट्रिज है हमारा 130 ml का है। ये देखिए, ओ सॉरी, 130 ml का कार्ट्रिज है। इसे हम सिंपल पानी से साफ कर लेंगे जो हमारी इंक गिरी है अभी। बाद में टिश्यू पेपर से साइड से सिंपल वाटर से ये, अब हम सिरिंज को सिंपल इसमें यहां लगाएंगे और आराम से इसे फिल करते जाएंगे। आपको धीरे 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 पुश करना है ताकि ये ओवरफ्लो ना हो। देखिए मैं कितनी आराम से इसे फिल कर रहा हूँ। आपको सिरेंज अंदर तक नहीं डालनी है, सिर्फ ऊपर रखना है। अगर ज्यादा अंदर जाएगी तो वो इसकी इसके अंदर जो इंक स्टोरेज होता है वो एक बलून टाइप होता है, वो फट जाएगा। थोड़ा आपको इसको नीचे ऐसे इस तरीके से टैप करना है।
अब देखिए ये इससे ज्यादा फील नहीं हो रहा है, इसमें है एयरलॉक, इसमें एयरलॉक हो चुकी है, ये अब नहीं जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का एक प्लास्टिक का रबर का बुच्चन आता है, इसमें हम लगा के इसे टाइट करेंगे, इसके बाद हम इसे फिल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसे रिवर्स खींच के देखना है, इसमें की एयर निकालना है, अगर इंक आना शुरू हुई तो हमें रोक देना है। अब इसके बाद हम आराम से इसे बाहर निकालेंगे, ये देखिए। अब हम फिर से एक बार और 60 ml का हम इंक भरेंगे, ये देखिए ये 60 ml की सिरेंज है। ये हमने फिर से 60 ml भर लिया है, अब हम फिर से इस अब इसके बाद हम इसमें फिल करेंगे। धीरे धीरे हमें फिल करना है, ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स इसमें से इंक खींचेंगे, थोड़ी सी इंक खींचेंगे ताकि इसके साथ इसकी एयर भी आ जाए, ये देखिए। अगर इंक वापिस आ रही है तो हम थोड़ी सी इंक इसमें से और निकाल देंगे। अब हम इसे बाहर निकाल के देखेंगे, इंक वापिस आ रही है क्या, अब इंक वापिस नहीं आ रही है। अब हम इसमें इसका कैप लगाएंगे, ये देखिए हमने इसका कैप निकाल लिया है। अब इस कैप को हम यहाँ साइड में रख लेंगे और इस पे का जो हमने कवर निकाला था बुश, हम इसमें इसी तरीके से अंदर प्रेस कर देंगे, ये देखिए ये लॉक हो गया है। अब इसे हम सिंपल पानी से साफ कर लेंगे, ये इसमें जो पानी अंदर जा रहा है वो बाहर निकल रहा है। अब इसे हम साफ टिश्यू पेपर की मदद से पूरा साफ कर लेंगे। अब हमें एक काम और करना है, छोटी सिरिंज लेना है और इसमें नीडल भी छोटी लगाना है,
इस तरीके से। और यहाँ पर जो एयर आती है, ये देखिए यहाँ पर एयर गैप है, इसमें हम लगाएंगे इस साइड से और इसमें से इसकी एयर खींचेंगे थोड़ी इंक आए तक। ये देखिए इंक आना शुरू हो गई है और जितने भी एयर है वो इसमें रिटर्न आ जाएगी। इसके बाद हम इसे पुश करेंगे इस वाले बुश को। ये देखिए इसे हम फिर इसे 2-3 मरतबा करना है ताकि जब हम इसे अंदर लगाएंगे इसमें यहां से इंक जब आउट होती है, अगर वहां से एयर आउट होगी तो प्रिंटर को लगेगा इसमें इंक नहीं है और वो डिप्लीटेड कार्ट्रिज बताएगा। अब ये होने के बाद आपको इसे उल्टा करना है और फिर थोड़ी सी इंक बाहर निकालनी है। अब ये देखिए ये ओके हो गया है। थोड़ी एयर रह गई थी इसमें, इसे फिर से हम उल्टा करके इसमें से इंक खींचेंगे। ये देखिए इंक आ रही है, अब दिख रहा, इसे प्रेस करने पर इंक अंदर आती है। ये कार्ट्रिज अब रेडी है यूज करने के लिए। इसमें की इंक हम वापस इसमें डाल देंगे। ये 130 ml का है कार्ट्रिज। थोड़ी एयर अभी भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरी इंक आनी चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे एयर रहेगा तो वो डिप्लीटेड कार्ट्रिज बताएगा। अब इसके बाद हम कार्ट्रिज को अच्छे से साफ कर लेंगे पानी की मदद से। ये पानी से ही साफ हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें ये वाला कैप लगा देंगे। हमें क्या करना है, मार्कर लेना है, इस तरीके से मार्कर लेना है। और हमारे पास जितने भी पुराने कार्ट्रिजेस है, जैसा ये निकला है, तो हम इसे अब एक नंबर दे देंगे। सब पे आपको कार्ट्रिजेस पे नंबर देना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आपको क्या करना है, जब भी कार्ट्रिज कोई खाली होता है, जैसे ये कार्ट्रिज अभी हमने इसमें से निकाला है, ये कार्ट्रिज खाली होने के बाद आपको इसे ही रिफिल करके वापस नहीं लगाना है। इसे आपको रिफिल करके नहीं लगाना है, इसे आपको साइड में रख देना है। और दूसरे जो नंबर का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, इन सब में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। अगर आप रिपीट इसे ही भर के लगाएंगे तो वो इस कार्ट्रिज को डिटेक्ट करेगा और कहेगा कि आपने कंटिन्यूस इंक सिस्टम लगाया है। अगर कंटिन्यूस इंक सिस्टम लगाने पर अगर आपका मैसेज आता है तो इसमें की जो चिप होती है इसे ये ब्लॉक कर देता है। आप अगर इसकी जगह दूसरा कार्ट्रिज भर के लगाएंगे तो इसे वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको कहेगा कि आपने प्रीवियस आपने इस कार्ट्रिज को यूज किया था, आप इसे डबल यूज कर रहे हैं, आप श्योर है कि इसमें कलर है तो यस कीजिए। तो आपको सिर्फ ओके करना है, वो मैं अभी बताऊंगा।
तो आपको क्या करना है, जो निकला है कार्ट्रेज उसे भर के नहीं लगाना है, उसके बाद दूसरा कार्ट्रेज लगाना है। अगर ये खत्म होता है, पूरा खत्म होने के बाद ही आप ये वाले कार्ट्रेज को यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन आपको एक के बाद एक कार्ट्रेज यूज करना है। पहला खत्म होता है तो दूसरा लगाना है, सब एक साथ रिफिल करके रख देना है। दूसरा खत्म होता है तो तीसरा लगाना है, तीसरा खत्म होता है तो चौथा लगाना है, चौथा खत्म होता है तो पांचवा, पांचवा खत्म होता है तो फिर से आपको फर्स्ट नंबर पे आना है। इस तरीके से आपके ओरिजिनल कार्ट्रेज से आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी और ये कभी आपको सताएगा भी नहीं। अभी देखिए इसके अंदर कार्ट्रेज बता रहा है, तो हम इसमें मैजेंटा का कार्ट्रेज लगाएंगे। अब इसमें ये देखिए कार्ट्रेज लगा दिया हूं मैं। अब ये कार्ट्रेज चेकिंग कर रहा है, ये देखिए ये बता रहा है द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल एचपी कार्ट्रेज हैव बीन डिप्लीटेड। ये आपने ओरिजिनल कार्ट्रेज यूज किया है और ये पहले खत्म हो चुका था। You should only use the cartridge if you believe it to not to be depleted. अगर आपको यकीन है कि इस कार्ट्रेज में कलर है तो ही आप यूज कीजिए, वो वार्निंग दे रहा है। तो हमें करना है सिंपल ओके करना है। इसके बाद द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल एच पी कार्ट्रेज हैज बीन डिप्लीटेड, ओरिजिनल कार्ट्रेज खत्म हो गया है। इफ दे वेर सोल्ड टू यू एज अ न्यू जीनियन कार्ट्रेज दे माइट बी काउंटर फिल्ड। ये बता रहा है कि आपको ये कार्ट्रेज ओरिजिनल है लेकिन आपको ये नया बोल के बेचा गया है तो आपको धोखा हुआ है। अटेंशन, एचपी कार्ट्रेज वारंटी डज नॉट कवर एचपी नॉन कार्ट्रेज और विथ नॉन एचपी कंटेंट। अगर आप ये कार्ट्रेज यूज करेंगे तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। ये आप कार्ट्रेज वारंटी खत्म होने के बाद ही यूज कीजिए। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इंक सेक्शन में जाऊंगा। ये देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क देता है लेकिन ये ओके हो गया, ये प्रिंट भी देगा सब देगा। तो दोस्तों ये था HP T830 कार्ट्रेज रिफिलिंग का वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।